जब तक सूर्य जल रहेगा। आज बड़ी अर्ज का विषय है कि आज हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले मूर्ति आवरण कार्यक्रम रखा गया है। आइए समाज के व्यक्तियों से कुछ सवाल पूछते हैं। तो समाज के व्यक्तियों से पूछते हैं कुछ सवाल। महात्मा ज्योतिबा फुले अपने समाज के अन्य समाज के भी ये जो है बहुत बड़े शिक्षक के रूप में रहे हैं और समाज का उत्थान के लिए इन्होंने गरीबों और दलितों की सबकी जो है विद्याध्ययन में सहायता की है और सबको पढ़ाया है। इनकी मिसेज को भी शिक्षा इन्होंने दी है और उन्होंने उनकी मिसेज ने सबको जो है पढ़ाया है, दलितों की महिलाओं को और समाज की महिलाओं को। मतलब इन्होंने कभी छुआछूत नहीं की किसी से भी। ये एक समाज के कर्णधार व्यक्ति थे। हर्ष व उल्लास के साथ महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल बड़गांव में महात्मा ज्योतिबा फुले की मूर्ति जो लगाई गई है वो सभी समाज बंधु व जिसने भी लगाई है उसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र। आज माली समाज में बहुत खुशी की लहर है। हमने माली समाज की मूर्ति का अनावरण सुन के हम कोटा से यहाँ पधारे। माली समाज के कम से कम 10-15 लोगों के साथ टीम के साथ हम यहाँ पधारे, जिसमें हमारे मुख्य वार्ड पार्षद राकेश जी सुमन पुटरा, बिरदी लाल जी, हेमंत जी सुमन। तो हम सबों ने बहुत खुशी की और आभार करते जिन्होंने ये महात्मा ज्योतिबा फुले की मूर्ति लगाई। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राकेश सुमन पुटरा कोटा से यहाँ पधारा हूँ क्योंकि यहाँ महात्मा ज्योतिबा फुले का अनावरण अभी होने वाला है। मूर्ति का माली समाज की ओर बहुत उत्सुक है। माली समाज के द्वारा यह प्रोग्राम रखा गया और मूर्ति के मूर्ति बना के उसका थोड़ी देर में अभी अनावरण होने वाला है। माली समाज को इस बात को लेकर ज्योतिबा फुले और माता सावित्री बाई फुले को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई और सभी में उल्लास का माहौल है और अभी थोड़ी देर में इनका अनावरण होने वाला है। जय हिंद, जय भारत। मैं अमन सुमन, सर्वप्रथम मैं महात्मा ज्योतिबा फुले माता सावित्री बाई फुले जी को नमन करता हूँ। आज कोटा से हम सभी पदाधिकारीगण और समाज के व्यक्तियों के साथ में, टीम के साथ में आज अंता बड़गांव में महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल में मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में पहुँचे। आज बड़ा ही हर्ष का दिन है। हम कोटा से यहाँ पहुँचे मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में। कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में मंत्री महोदय मूर्ति का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे और हमें बड़ा हर्ष का विषय है। जिस तरीके से कोटा में दो स्थानों पर मूर्ति लगी है उसी तरह चारों जिलों में मूर्ति स्थापित हो, हर तहसील में हो, हर गांव-गांव ठाणी ठाणी में मूर्ति का अनावरण हो। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। महात्मा ज्योतिबा फुले अमर रहे, अमर रहे। मैं दौलत राम सुमन, ब्लॉक अध्यक्ष किशनगंज। आज हमारे माली समाज के लिए बड़ा ही हर्ष का दिन है कि आज बड़गांव में माली समाज के द्वारा ज्योतिबा फुले की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम रखा गया है। मैं इसके लिए बड़गांव से मुकट जी पंचायत समिति सदस्य को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो उन्होंने ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया और सभी बड़गांव के माली समाज बंधुओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उनके द्वारा बड़गांव में ज्योतिबा फुले की मूर्ति का अनावरण है और हम सब माली समाज के लोग मिलकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हर विद्यालय में ज्योतिबा फुले की मूर्ति लगवाने की घोषणा कर रखी है, अनावरण के लिए घोषणाएं कर रखी है और धीरे धीरे माली समाज में जागृति आ रही है। हर जगह पर धीरे धीरे ज्योतिबा फुले मूर्ति का अनावरण होगा। जय हिंद, जय भारत, जय ज्योतिबा फुले। आज बड़ी अर्ज का विषय है कि महात्मा ज्योतिबा फुले मूर्ति अनावरण कार्यक्रम हमारे गांव बड़गांव में रखा गया है। गजेंद्र जी और इंदिरा भाभी जी, जिला परिषद सदस्य 12, इनसे पूछते हैं कुछ सवाल। महात्मा ज्योतिबा फुले अमर रहे, इनसे पूछते हैं कुछ सवाल। तो किस प्रकार के कार्यक्रम हुआ है यहाँ पे? हमारे समाज के मान प्रणेता महात्मा ज्योतिबा फुले जिन्होंने अपना पूरा जीवन
सामाजिक क्रांति के लिए, दीन दुखियों की सेवा के लिए और गरीबों के उत्थान के लिए लगा दिया। आज हमें बड़े हर्ष के साथ बताते हुए खुशी हो रही है कि राजकीय महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़गांव में बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम रखा गया है। बाबा फूले, माता सावित्री बाई फूले। राष्ट्रीय पुलिस सेना प्रदेशाध्यक्ष, आज ग्राम बड़गांव में तहसील अंता में महात्मा ज्योतिराव फूले की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम है। इस अवसर पर राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय प्रमोद जैन भाया जी और हमारे लाडली विधायक श्री पन्नाचंद जी मेघवाल साहब, सम्मान्य रामचरण जी मीणा साहब, हंसराज जी मीणा जी, हमारे सम्मान्य ओम प्रकाश जी सुमन साहब, समस्त हमारे पदाधिकारीगण, हमारे नेतागण सब पधारे हैं। और इस अवसर पर समस्त अंता क्षेत्र से, पूरे ज़िले से, आसपास के ज़िलों से, तहसील से, समाज बंधु माली समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं। महिला, बच्चे, बुजुर्ग, पूरा जनप्रतिनिधि और पदाधिकारीगण, सामाजिक कार्यकर्ता, और बड़ा शुभ अवसर है। इस अवसर पर मैं आप सभी लोगों को शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। माता सावित्रीबाई फुले अमर रहे, फुले गणपति जिंदाबाद, माली एकता जिंदाबाद, सैनी समाज जिंदाबाद। अमर रहे सावित्री बाई फुले, अमर रहे।